अरे ओए 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 देखियो भाई, अरे बंद कर यार, इसने तो ठोक दिया आगे, इसने तो कुएं में ही मार दिया। सो गाइस देखो यार, ओए क्या हो गया, ओए हेलो गाइज, कैसे आप सब, मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ डेविल की टेपिंग कराने, उसके कान थोड़े से यहाँ से बैठे हुए हैं, तो टेपिंग कराएंगे उसके कान मस्त खड़े हो जाएंगे और उसकी मस्त लुक आएगी भाई, और उसको एक पिटबुल से और मिलाएंगे और बहादुर वगैरह काफी फेमस पिटबुल है, और देखते हैं भाई दोनों का रिएक्शन क्या रहता है। तो अभी डेविल को खोल लेते हैं भाई जल्दी से। सो गाइज डेविल को लेके तो निकल चुके हैं और भाई ये देखो मस्त खिड़की से बाहर जाके जा रहा है। गाइस घर से निकलते फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, सुबह से इतनी तेज बारिश हो जा रही थी। इसको देख ले क्या कर रहा है, ये डोरेमोन का वो बना दे, सर पे लगा के उड़ा दूं इसके। ओके तो गाइस अभी तो चलते हैं डेविल की टेपिंग कराने, और भाई डेविल की टेपिंग तो हो चुकी है और टेपिंग करी अपने भाई ने, विक्की ने भाई, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कर दी भाई टेपिंग इसके, जल्दी से एंटीना खड़े करा दे भाई, कान 20 दिन लगेंगे फिर ही आएगी भाई बढ़िया लुक इसकी, है ना, ऊपर से मैक्स और शेडो भोक के जा रहे भाई। सोच रहे ना भाई वो कौन आ गया एकदम यहाँ पे जिनसे मिल रहा है। गाइस मैक्सो तो आ चुका है, हाइट देखो भाई इनकी सेम होगी दोनों की, बस हेड साइज काफी बड़ा अभी मैक्सो का, और ये शैडो को देखो भी दूर से देख रहा है इसको। गाइस अभी शैडो इसके पास लाते हैं। डेविल ये कौन आ गया, हाँ ये लगा लेगी, छोटा भी है ना तो छोटे डॉग से कुछ बोलते नहीं ना, इसका कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो भाई अपनी मस्ती में हो रहा है, पीछे मौत खड़ी है। थोड़े टाइम में भाई शैडो जितना होने वाला है ये, और एक दो महीने के अंदर अंदर ये देखो भाई, कोई वो नहीं, कोई मतलब नहीं इसको। तो भाई डेविल और शैडो को मिलवाया था, ये तो आपस में फ्रेंडली होगी भाई, शैडो भाई ये बड़ा हो जाता मिल, ओ भाई डेविल मैक्स के साथ तो खेल रहा है, शैडो से डर रहा है, पर पकड़ डेविल, पकड़ डेविल, पकड़ ओ भाई। भाई मन तो नाकाफी कर रहा है खेलने का, पर ये गंदा हो जाए, अभी बारिश हो रही है। ठीक है विक्की, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर बाद में, अभी चलते हैं। ये देखो अभी सही, इसको तेरा दोस्त छोड़ गया, तो अभी इसे घर पे लेके चलते हैं, उसके बाद गोलू आ रखी है तो उसका फोन आया था तो उसके पास चलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ भाई कि हॉन्टेड पे चले आज, हॉन्टेड पे क्या करेगा यार, मौसम भी इतना खतरनाक हो रहा है, तो सुबह से बारिश आ जा रही है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी तो भरा हुआ है, ट्रैक्टर लेके चले और क्या भाई, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो जाएगा फिर से। तो गाइस अभी तो चलते हैं घर पे, डेविल को छोड़ते हैं और फिर ट्रैक्टर उठा के चलते हैं हॉन्टेड जंगल में। तो गाइस अभी ट्रैक्टर लेके तो आ चुका हूँ, और भाई गोलू को बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहता है। सो गाइस विवेक और गोलू आ चुके हैं। हाँ भाई तू तो पीछे लटक ले, चल बैठो जल्दी, जंगल में एंट्री करने वाले भाई, फंसना जाए यार। देखो कितना ज्यादा कीचड़ हो रखा है भाई। तो इतना ज्यादा खराब रास्ता था पीछे, मेरे को तो लगा ट्रैक्टर टीम ही दस जाएगा। और भाई तेरे को पता है कहाँ जा रहे हम? हाँ भाई मैंने इसको बता दिया कि हम हॉन्टेड पे जा रहे हैं भाई। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पहले तो ये ट्रैक्टर का सरप्राइज, अभी हॉन्टेड मैं नहीं जाऊंगी, तूने ही बोला था कि हॉन्टेड पे जाना है, तो अब चल। आज सरप्राइज दे दिया तेरे को हॉन्टेड का, वैसे तो हमारा कैंसिल हो गया था कि भैया मतलब कीचड़ वगैरह का सोच के, बट लेकिन ट्रैक्टर मिल गया तो चलो। सो गाइस ये देखो इतने हॉरर, उसमें भी भाई ये बच्चे घूमने से बाज नहीं आ रहे, वो देखो वहाँ अटक गया, साइकिल अटक गई। कहाँ घूम रहे हो तुम अंदर तक इस टाइम अकेले? बहुत निडर बच्चे हैं, तो बच्चे भाई पूरे आखिर तक घूम गए। अभी ये बता रहे थे कि हॉन्टेड हाउस पे गए ना, वहाँ पे ने आवाज आई, वहाँ से भाग गए। बट एक बात है भाई, 7-8 बजे के बाद जो फील आता है वो अलग ही है। वही है भाई ये भी, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ ना, उससे पहले ही घर निकल लिए, बोले कि भाई अभी और नहीं रुकते हम यहाँ पे। सो गाइस लास्ट टाइम की तरह ये देखो क्या हाल कर दिया आगा। गाइस अभी चलते हैं सीधा जंगल के अंदर। ओ भाई कितना गहरा है भाई, ये सारा पानी भर गया भाई यहाँ भाई, वो दो रास्ते आ गए हैं। तो गाइस अभी कुएं वाले रास्ते पे खड़े हैं, और सामने देखो भाई कुआं, और भाई हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल। यार भाई 7:30-8 बजते, तेरे को पता है यार जैसे अंधेरा होने लगता है ना भाई, नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा सा फील आने लगता है। और लास्ट टाइम भी भाई हम ऐसे ही मौसम आए थे, और उस दिन तो बारिश हो रही थी। तो गाइस ये डेयरिंग करने की सोच रही है, बोल रही है कि अभी तुम यहीं रुको और मैं जाके कुएं के हाथ लगा के आ रही हूं। यार हमारी हिम्मत नहीं हुई थी अकेले ऐसे जाने की, और ये फर्स्ट टाइम आई है।
यार ये तो बहुत ज्यादा डेयरिंग हो रही है। वापस क्यों आ रही है अब? अजीब लग रहा है। क्या हुआ, तू तो चैलेंज पूरा करने जा रही थी यार। इतना अजीब लग रहा है उधर से, बहुत अजीब अजीब आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे साथ में कोई चल रहा है। बैठो बैठो बैठो, अंधेरे से पहले चलते हैं। फिर चल के फिर आ जाएंगे वापस, फिर चल लेंगे वापस घर पे। सो गाइस कुएं पे तो आ चुके हैं। और ये देखो भाई विवेक, कोई कैंपिंग वैम्पिंग करके गया यहाँ पे? हो सकता है कोई तो आया होगा यार। यार हमारा भी कैंपिंग का ही सीन था भाई यार, बट बारिश ने कर दिया ना खराब, क्या कर सकते हैं। बारिश ने खराब कर दिया, वरना बोलू मैं और सारे हम कैंपिंग करने आते यहाँ पे। गाइज आपको भी बताऊं, मैं अभी जैसे वो बच्चे हुए थे ना भाई, गुफा की साइड तो बिल्कुल मत जाना और अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाया करो यार, बारिश आ गई। गाइज ये देखो बारिश स्टार्ट होगी। क्या बैठा है मार के देखो, आंखें कैसे चमक रही है यार, मत जा। तो गाइज बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। क्या कुछ दिखा भाई वहाँ पे? भाई पता नहीं यार क्या था, अचानक से गायब हो गया यार, कुछ भी नहीं दिखा। यार तू ही बोल रही थी कि हॉन्टेड पे चलना है आज, चलें क्या वापस हैं? चलें, तू बोल रही थी कि ट्रैक्टर चलाना, चल एक काम कर तू ही मोड़ दे इसको, आता है ना तेरे को? मैं थोड़ा बहुत इधर उधर देख के आता हूँ। और भाई गुफा का क्या हालू रखा हुआ वहाँ तो, इतनी ज्यादा तक तो जाने का मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। निकल लो यहाँ से। अरे नहीं जा रहे ना गुफा पे, वैसे बात कर रहे थे हम तो। एक काम कर तू स्टार्ट करके मोड़ी से जल्दी, ये तो सारा रास्ता बंद हो गया। देखियो तो भाई ये देखो कुत्ते रोने की आवाजें आ रही है यहाँ पे आस पास से। सुन गोलू तू इतने कर ले यार इसको ना बैग में, हाँ बैग ले ले तू इतने। ओए ओए ओए, अरे अरे ओए ओए ओए, देखियो भाई ये, अरे बंद कर यार। अबे यार तूने कहाँ पे कर दिया ये यार, इसने तो ठोक दिया आगे भाई, इसने तो कुएं में ही मार दिया सीधा। क्या हो गया, चल लेना ले लेना बैग इसको भाई, वो उसमें टूट गई लाइट भाई, कुछ नहीं चल रही, लाइट बंद हो गया। अबे यार बंद भी नहीं कर सकते, अगर बंद कर दिया तो फिर यह स्टार्ट नहीं होगा। अरे बैटरी है ना, बैटरी से गाइस लाइट वाइट सारी चीजें बंद होगी यार इसकी। ये देखो पहले लाइट जल रही थी, पता नहीं यार कैसे जाएंगे घर पे। और ये देखो सारी लाइटें बंद होगी यार, क्या सीन हो गया ये। बोलो तू एक काम करिया मत बैठ, तो गिर जाइए पीछे चली जा, ले कैमरा पकड़ तू, आ जा ऊपर आ जा। सो गाइस देखो यार, ओ क्या हो गया, ओए भाई जल्दी जा। कैसे गिर गई तू? यहाँ से निकलते हैं भाई, गलत सीन हो गया यार, कुछ भी पता नहीं कैसे जाएंगे बिना लाइट के। भाई जंगल से बाहर आ रहे हैं अभी, विवेक पीछे से लाइट दिखा रहा है तब जा रहे हैं हम घर पे। तो भाई वहां से तो निकलाए थे, और भाई ट्रैक्टर में पता नहीं क्या हुआ अचानक, भैया अभी स्टार्ट ही कर रखा है। स्टार्ट क्यों है फिर ये? भाई ये स्टार्ट इसलिए कर रखा है, इसकी बैटरी बैटरी पता नहीं उसमें लगने के बाद क्या हो गया था। अभी कर करके देख लेना क्या दिक्कत है। नहीं भाई ऑफ कर देते तो ये स्टार्ट ही नहीं होता, वहीं पे ही फंस जाते हैं। अरे भाई यार इसको पहले घर पे ले जाते, वो लगाना वो तब उसी की वजह से ही हुआ है भाई, पता नहीं क्या गलत सीन हो गया था वहाँ पे। मैं तो सोच रहा हूँ यार ये बंद हो जाता ना तो घर नहीं पहुँच पाते आज। हम इतने दिन बाद हम मतलब हॉन्टेड पे गए और देर बाद सीन हो गया। सो गाइस ट्रैक्टर तो मैंने खड़ा कर दिया, गाइस मैंने घर पे भी ऑन ऑफ करके देखा ना, वहाँ पे भी घर पे भी लाइट नहीं जली थी, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ भाई। अरे भाई सही रहा कि वहाँ पे नहीं करा हमने भाई, एक चीज और हुई है कि जैसे ही उसमें लगा ना, मतलब ट्रैक्टर लगने के बाद मतलब चीजें स्टार्ट हुई, जैसे कुएं को ट्रैक्टर टच हुआ ना। सही रहा वहाँ पे ऑफ नहीं किया मैंने, अभी तक हाथ में दर्द हो रहा, मम्मी इतना गुस्सा करेगी, तुम्हें भी डॉक्टर था ना। हाँ लास्ट टाइम पे भी यार दिक्कत, लास्ट टाइम भी आंटी ने गुस्सा, आंटी ने बोला था कि लास्ट टाइम पे ऐसी जगह मत लेके जाएगा इसको। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो वाला, मैं बैक कर दी कैसे आगे जाके लगाऊं। तो गाइस प्लान तो इस बार का कैंपिंग का था, पर भाई बारिश ने सारा प्लान खराब कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे भाई कैंपिंग करने। गोलू तू चलेगी कुएं से दूर रहोगे तो चलोगे, वरना नहीं चलोगे। दूर ही रहेंगे, इस तूने मारा था ट्रैक्टर उसके अंदर, ट्रैक्टर लगने के बाद सारी चीजें स्टार्ट हुई। इसी ने बोला था मैं भी चलाऊंगी। और भाई जब से उसमें से हड्डी वगैरह निकली है ना जंगल में, ऐसी चीजें होती है। हाँ तुझे नहीं पता, हड्डी का नहीं पता तुझे, कुएं के अंदर से जब से हड्डी वगैरह निकाल ली गई है उसके बाद ही दिक्कत स्टार्ट हो रखी है। तो गाइस अभी पहले कुछ खा पी लेते हैं भाई, उसके बाद बात करते हैं आपसे। खाना पीना खा रहे हैं और खाना पीना खा के बात करते हैं भाई, ये तो ठंडा आ रही है, गाड़ी में गिरा दिया। गाइस विवेक को तो इसकी बाइक के पास छोड़ दिया, चल ठीक है अभी आराम से जाइए अभी। सो गाइस टाइम भी काफी हो चुका है, 9:30 हो चुका है, तभी गोलू को भी छोड़ देते हैं अभी।
गाइस विवेक और गोलू को तो छोड़ दिया, अभी मैं भी चलता हूँ घर। इस वीडियो में हमने डेविल को शैडो से मिलवाया, उसके बाद फिर हम हॉन्टेड जंगल पे गए थे। हमारा प्लान तो कैंपिंग का था, पर इतनी ज्यादा बारिश हो रखी थी, फिर हम ट्रैक्टर लेके गए भाई। वहाँ पे जाके भी गलत सीन हो गया, पता नहीं कुएं के लगते ट्रैक्टर के क्या हो गया, वहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ। और घर पे जाके चेक किया तो वहाँ पे भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम चलेंगे कैंपिंग करने गोलू के साथ और डेविल को भी ले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को कैसे लिए कमेंट करके बताने, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे भाई का चैनल अलबादी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।